कैसे हो आप? ये तो वो वाले भैया जो एक होटल वाले प्रैंक में थे। होटल वाले प्रैंक में थे। कैसे हो भैया? बढ़िया एकदम। और बोलिए भैया, मतलब क्या बोलूं रियल में देखने के लिए। कि आज हम लोगों का आइए ना सर। जैसा कि आज मैंने कल बताया था शायद आप लोगों को कि मेरा एक सब्सक्राइबर के साथ मीटअप होने वाला है, तो वो भाई ऑलमोस्ट बस यहाँ पहुँचने ही वाला है थोड़ी देर के अंदर। और जेम्स नाम है उनका, जैसा मैंने बताया था। अभी जस्ट मेरी कंफर्मेशन हुई है कि वो मेरी बिल्डिंग जो है उसके गेट पर आने ही वाले हैं, ठीक है। तो मैं उनसे मिलने ही जा रहा हूँ, उनको अटेंड करने जा रहा हूँ, उनको लेकर के अंदर आ जाऊँगा, फिर बैठते हैं, बातचीत करते हैं भाई के साथ में, ठीक है। तो पिक कर लूँ मैं, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। अरे भैया, कैसे हो आप? ये तो वो वाले भैया जो एक होटल वाले प्रैंक में थे। होटल वाले प्रैंक में थे। कैसे हो भैया आप? बढ़िया एकदम। और बोलिए भैया, मतलब क्या बोलूँ रियल में देखने के लिए। और बैठते हैं अंदर। ये आपका फ्रेंड है? हाँ। इनके काम से है। इनके काम से है। इनका क्या काम था? ये नया घर में भैया जिनके बारे में कल हम लोगों ने अनाउंस किया था, फाइनली वो आ गए हैं, ठीक है। ये मिस्टर जेम्स हैं उड़ीसा से, ये इनके फ्रेंड है जिनके साथ ही आए हैं, और इनको कोई काम नहीं है, इनके साथ आए हैं बस, और वो भी इस पर्पज पे कि मेरे से मिलना है। तो थैंक यू सो मच भाई, बहुत उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हुई कि मैं आप लोगों को अपना टाइम दे पा रहा हूँ, और मेरे को चीज़ की ज़्यादा खुशी है कि आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया अपना। मतलब खाली देखना था आपको, खाली देख के चला जाना है, कोई तो काम नहीं है। जब टिकट बुकिंग करने के लिए बोले ना भैया, मैंने बोला कि दिल्ली मतलब आप ठीक है, तो जींस का खाली फिर न बोला मैंने, जाऊंगा तो एक यूट्यूबर भैया है, पहले मैसेज करूंगा, अगर होगा तो बढ़िया बोला था, फिर आपको मैसेज किया, ठीक है ना भैया, मैसेज किया, मतलब रिप्लाई जैसे आया ना ओ भाई, वैसे ही बोल दिया बना दे टिकट। पिछले दो दिन से ना मिलूंगा बोल आया। अरे रखो ना, थोड़ा हाई काइंड ऑफ पर्सन। हाँ जी, आज क्या हुआ है? आज हमारे दोनों बच्चों की पिटाई हुई है। दोनों की पिटाई करी है? क्यों? मैनर्स के चक्कर में। ओहो, और ये वैसे चुपके चुपके क्या किससे चैट की जा रही है व्हाट्सएप पे? अरे मुझे व्हाट्सएप का साउंड आया। व्हाट्सएप का साउंड आया तो हम तुम्हें व्हाट्सएप दिखाया हमारा। किससे बात की जा रही थी? व्हाट्सएप इधर घुमाना। इंस्टाग्राम देख रहे हैं। क्या बेटा? इंस्टाग्राम चला रहे हैं। देखा? पहले व्हाट्सएप चल रहे थे, फिर इंस्टाग्राम। तो ज्यादा जासूस लग रहा मम्मी का। मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज मैंने मेरे सब्सक्राइबर के साथ मीटअप किया, और वो उड़ीसा से आए थे भाई, जेम्स नाम है उनका, ठीक है। और बड़े ही नाइस पर्सन थे, रियलिटी में बहुत नाइस पर्सन थे, बहुत सॉफ्ट थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ बातचीत करके। हम दोनों ने आपस में एक कॉफ़ी शेयर करी इन द सेंस से कि कॉफ़ी पी, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कॉफ़ी विद जेम्स का। और आपकी पिटाई क्यों हुई आज? उसने मेरी आँख पे गुस्सा मारा इधर। अच्छा, फिर आगे भूल गया ये पापा ने, तेरे को भी लगे आज सूत दिया आज। गलती उसकी लगे आ तो लक्ष्य भी आज कुट गया। तो भैया ये मैदान में क्यों आया? जब उसकी पिटाई हो रही है, उसको डांट पड़ रही है, तो ये क्यों आया भी? ये उसको बचाने के लिए आया। आप कहते हैं ना कि आजकल किसी को बचाना भी अपने ऊपर ही वो हो जाता है, किसी के फटे में टांग नहीं डालनी चाहिए, उसमें लड़ने देना चाहिए था, वो ठीक था। हाँ, तो ये बेचारा अपने भाई को
सपोर्ट करने आया तो खुद ही पिस गए। और यहाँ पे आपको आयु नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो रो के पिट के अपनी दादी के पास चला गया है और वो हमसे बोल कर गया है कि मैं तुम में से किसी से बात नहीं करूंगा। अब मैं तो डंडे पड़े डंडे पड़े उसको, एक्चुअली वो वाला डंडा होता है ना, कौन सा प्लास्टिक का बैट, बैट होता है ना वो, उसको कंस बनाने में लगा पड़ा है, कसाई बनाने में लगा पड़ा है। तो वो प्लास्टिक का बैट होता है ना, वो उसके पैर पे मारा था क्योंकि वो बदतमीजी कर रहा था हद से ज्यादा। और अभी किन्नी भाई का मैसेज आया कि भैया वो जो फोटो आपने क्लिक किया था प्लीज भेज दो मेरे को, तो फोटो में उनको फॉरवर्ड करो। और ये हमारे यहाँ पर धोबी घाट बना हुआ है, ये हमारे यहाँ पे देखो, क्योंकि दिल्ली में 2 दिन से कंटिन्यू बारिश आ रही है, कंटिन्यू जिसे कहते हैं कि थम नहीं रही है बारिश, और मौसम बहुत ठंडा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया मौसम, तो अच्छा लग रहा है अब इस मौसम में। वो तो शुक्र है कि इसके बर्थडे में कोई बारिश नहीं थी, कुछ नहीं था, और हमारा जो वहाँ का ग्राउंड था वो ओपन था, तो हम यही प्रे कर रहे थे हे प्रभु बारिश ना हो, बारिश ना हो, और नहीं हुई, इसके बर्थडे के बाद बारिश हुई है, तो अब इस बारिश में इंजॉय लेने का मजा ही कुछ और है। एक दिन बाद ही हो गई। एक दिन नहीं 2 दिन बाद बारिश होना शुरू हो गई थी इसके बर्थडे के, और जिसके लिए मैंने 101 रुपए का प्रसाद बोला था, इन्होंने बोला बजरंग बली तो हम इस ट्यूजडे वो प्रसाद चढ़ा के आएंगे, पूरी करके आएंगे, क्योंकि हमने इन्होंने बोला था कि हे बजरंग बली बाबा, हे प्रभु की अगर इसके बर्थडे में बारिश नहीं हुई तो मैं 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड था वो ओपन था तो हमें इसलिए डर लग रहा था। और हमने उसमें गूगल में भी देखा था तो उसमें 8 को बारिश तो नहीं थी, लेकिन उससे 7 को 6 को 5 को ऐसे बारिश थी, 7 को 6 को 5 को नहीं थी, 9 को 10 को 11 को नहीं, उससे पहले भी बारिश थी, तुम कह नहीं रहते बारिश जैसा मौसम है उसके अंदर, मौसम था बट बारिश नहीं थी। तो लेकिन 8 तक कड़ी गर्मी धूप रही, जो कि हम बस यही चाह रहे थे कि गर्मी रहे धूप रहे, और वही रहा, तो बस अच्छा। बजरंग बली महाराज ने मेरी सुन ली, सो हम चढ़ाएंगे प्रसाद, और हमारे बजरंग बली महाराज सुनते हैं, तो सारे काम हमारे शनि मंगल को ही होते हैं, ये तो खैर है ही, है ना। हाँ जी। तो बस अभी ये पिटाई करके अब तुम सो जाओ, सुबह तुम्हारा यूटी है, इसको सुला देते हैं, और वो दूसरा वाला जो है ना नाराज होकर अपनी दादी के पास है और उससे कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, कोई हम तीनों में से कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो गुस्सा ऐसे हो, इतना गलती करने के बाद भी एड दिखा रहा था और सब फेंक के मार के गया, चेयर वेयर सब फेंक के मार के गया, वो बाहर का पूरा फैला दिया, पूरा जो बाहर का हमारा रूम के बाहर का वहाँ है ना, वहाँ चेयर कपड़े जो भी हमारे सुखाए हुए थे, मेरी चप्पल अप्पल सब फेंक दी उसने। तो अब उसको फिर मैंने नीचे भेज दिया, मैंने कहा तू नीचे जा, ऊपर आने की जरूरत नहीं है, पकड़ पकड़ के मैंने कहा तू नीचे भाग, तो वो अब हमसे नहीं, हम उससे बात नहीं कर रहे, ऐसे कपड़े खींचने में मतलब सॉरी बोलने में वो घिस जाएगा, सॉरी नहीं बोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मारो लो पीट लो, बहुत डीप है। इसे माँ कहाँ से आ गई, वो मैंने तेरे को थोड़ी घुसड़ा, मैंने तेरा नेचर जो है ना उधर घुसड़ा की, मतलब वो सॉरी नहीं बोलेगा। हाँ तो वो नहीं बोलता सॉरी, तो बोलता रहूं। एक दिन सॉरी के पीछे मेरे से ही पिटा था वो, मैंने कहा सॉरी बोल, अरे तो मैं वही चीज कह रहा हूं ना, आई लक्ष्य याद है तुझे, इतना ही इतना ही मुझे याद है, इधर आ ना, पहले आई वो बोला था स्कूल से, पहले तुम सॉरी बोलोगी, स्कूल से आया था, कुछ मेरी और उसकी हो गई थी, मेरी उसकी थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है तो है ना, पता नहीं क्या बात हो गई, तो उसकी गलती थी, मैंने कहा तू सॉरी बोलेगा मैं तब तेरे से बात करूंगी, तो मेरे से 1 घंटा इसी बात पे बहस करता रहा कि सॉरी मम्मी पहले तुम बोलोगी उसके बाद मैं बोलूंगी, मेरे को ही हार माननी पड़ गई। फिर सॉरी किसने बोला, पहले किसने बोला, मैंने, फिर उसके बाद खुद बोला, वो पटक पटक के मारी थी, बहुत ज्यादा ढीट है, इसलिए मैंने कहा कि इससे 1 दिन बात नहीं करूंगी मैं, मैं भी नहीं करूंगा, मैं 10 दिन नहीं करूंगा मैं 1 साल नहीं करूंगा, नहीं रे नहीं, अभी पता है अभी 15-20 मिनट बाद हम सब नॉर्मल दिखेंगे, मैं अभी नीचे से उसको ले आऊंगी, वो गाना याद आ जाएगा धर्मेंद्र का, मैं उसे मना, मैं नीचे नहीं जा रही हूँ, मैं लक्ष्य को भेजती हूँ, वीडियो बना के लाएगा, फिर देखते हैं कि वो नीचे कर क्या रहा है और कितना गुस्सा है वो, ठीक है ना लक्ष्य, ठीक है, वो इसको मारेगा लेकिन नहीं नहीं, तू दूर से वीडियो बनाइए, अगर देखो तेरे को मारे ना तो ऊपर आ जाइयो, ठीक है, भाग के आ जाइयो, ठीक है, तेरे को मारे ना तो मेरे को बता दियो, मैं नीचे डंडा लेके आऊँ, ठीक है, उसे दूर से वीडियो बनाइए, बाय द वे मैं तो तेरे से ही बात नहीं कर रहा था,
ये इस मासूम है, ये इसको मत कुछ बोलो। अच्छा ये मैंने किया क्या था? मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस उसको हेल्प कर रहा था। वो हेल्प कर रहा था, वो हेल्प के चक्कर में बेचारा पिट गया। ठीक है, तू वीडियो सुनना, तू वीडियो बनाइयो उसकी। ठीक है, वीडियो बना के ही पूछियो क्या कर रहा है, ऊपर नहीं चल रहा है, ऐसे पूछियो ऊपर नहीं चल रहा है, चल ऊपर चल, पर देखियो मुझे फिर। तो तू ऊपर आ जाइयो ना, लेकिन वीडियो बनाइयो, वीडियो बनाना मत छोड़ियो। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं इसको भेजती हूँ। क्या कर रहा है, ऊपर नहीं चल रहा, सो गया क्या? सो गया, ये सो गया। पापा ने बल्ले से मारा था इसको। सो गई। क्यों मारा पापा ने बल्ले से? सो गया ये। नहीं मारा, क्यों था पापा ने बल्ले से? तंग कर रहा था। क्या तंग कर रहा था? पापा ने मारा था। ऊपर नहीं चलना? नहीं। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अच्छा ले जाइए, पापा से सॉरी बोलेगा। ठीक है, चल रहे ऊपर, पापा से सॉरी बोल ले। इधर आ, अब बता, अब बोलो बोलो। आप नीचे से आए हो अभी, आपने कुछ बोला ना पापा को? अब कैमरे के आगे बोलो क्या बोला। नहीं बोला। तूने भी अभी ऑफ कैमरा हमें कुछ बोला ना पापा को अभी आते आयो? अगर मेरे से बात करनी है ना तो जो तूने ऑफ कैमरा बोला ना दोबारा बोलो ना, कान पकड़ के ऐसे दिखाओ उनको। सॉरी बोलो। आगे से नहीं करूंगा, आगे से नहीं करूंगा, और अच्छे से बोलूंगा, अच्छे से रहूंगा, अच्छे से बोलूंगा, अच्छे से रहूंगा। शैतानी अपनी जगह है, शैतानी अपनी जगह है, शरारत अपनी जगह है, शरारत अपनी जगह है, लेकिन मैनर्स से रहूंगा, मैनर्स से रहूंगा, अच्छे से बात करूंगा, अच्छे से बात करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, तो गाइस इसको माफ कर देना चाहिए अब। ठीक है, आप लोग बोलते हैं तो माफ कर देते हैं इसको, क्योंकि है तो ये बंटाना शैतान एक नंबर का। ये अपनी दादी से पूरी कंप्लेंट लगाई है कि मेरे को इससे मारा है, मुझे उससे मारा है, मुझे बैट से मारा है, सारी 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 कंप्लेंट लगाई है उसकी दादी। अभी लक्ष्य से कह रही है तेरे पापा ने बल्ले से मारा है इसको। बल्ले से मारा? हाँ। तो प्लास्टिक का था तो बदतमीजी करोगे तो बेटा पिटाई खाओगे। मैं से भी सॉरी बोलते ना, मुझसे ही बदतमीजी करी थी। सॉरी बोल, मैंने कब करी थी? मतलब सॉरी बोलने में घिस रहा है, पहले बताओ उसने कब करी थी सॉरी बोल। पहले तूने अभी बदतमीजी करी थी ना, सॉरी बोल। बाहर जो कर रहा था, मेरी चप्पल फेंक रहा था, कभी कुछ कर रहा था, सॉरी बोल, सॉरी बोल, मुंह से बोल सॉरी, कान पकड़ के, दोनों कान पकड़ के। कितनी प्रॉब्लम हो रही है इसको, सॉरी। ये बहुत ठीक है, ये बहुत गुंडा बच्चा है, सच बता रहा हूँ मैं। सो गाइस सारी प्रॉब्लम्स यहाँ सॉर्ट आउट हो गए, हमारे दोनों बच्चे मान गए हैं और हम भी मान गए, और सब कुछ ओके हो गया, सबका सॉरी सॉरी हो गया। तो अब मिलते हैं कल और ब्लॉग को करते हैं आज यही एंड। और जैसा कि आज मैंने ये सब्सक्राइबर मीटअप किया है, सो आप लोग भी मेरे से मिल सकते हो और अच्छी अच्छी बातें हम लोग बैठ के साथ में कर सकते हैं। बस आपने करना कुछ नहीं है, मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना है, हमारे साथ ढेर सारी बातें करनी है और हम मिलेंगे आप लोगों से। अगर मुझसे मिलना हो तो प्लीज बता सकते हो। मैं लेके आऊंगा। चलो गाइस एनीवेज बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, आप सब लोगों को गुड नाइट, बाय। तो कोई मिलने नहीं आएगा, इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, गुड नाइट सबको, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, आयो गुड नाइट करो, गुड नाइट करो। अभी तो तुमने बोला था मैनर्स से रहोगे, ये कौन से मैनर्स है भाई? बहुत गुंडा है। बाय गाइस।